हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सो बस अभी दोपहर हो चुकी है और अपना ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बनाए हैं पराठे मेथी आलू के, और साथ में एक सिंपल पराठा भी बनाया है। तो करेले की सब्ज़ी बनी थी कल, तो मैं करेले के साथ में ही खाऊँगी, हुरन को भी खिलाऊँगी थोड़ा सा। चलो यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं और चलते हैं ऊपर। कि बाकी के सारे लोग ज़्यादातर दोपहर के टाइम में ऊपर ही रहते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ, मैं भी ऊपर ही है, उसका सिपर वगैरह सब कुछ लेकर जाती हूँ। चलो फिर ऊपर ही चलते हैं। नहीं नहीं आना है। सो गाइज़, यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चलने लगी है शाम के खाने की। और बस यहाँ पे भाभी बना रही थी चिकन सालन, और साथ में यहाँ पे साइवा हेल्प करवा रही थी भाभी की, तो वह आटा गूंद रही थी। तो मतलब इसी तरह से जो है सभी लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं, कभी कोई कुछ काम कर लेता है, कहीं कुछ काम कर लेता है, तो बस ऐसे ही जो है जल्दी जल्दी से काम निपट जाते हैं, फिर आराम से बैठते हैं धूप में। फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट भी, और बस यहाँ पे भी मैं मार्केट आ गई हूँ। अच्छा पक्का सा कर देना थोड़ा। अरे यार चिंता मत करो, मेरे छेद आ गए, मोटा धागा लगा है। अरे टूट गया था बच्चों पर, और ले भाई का चल जाता। सो गाइस मार्केट से आ गए हैं, उसके बाद हमने खाना वाना खाया, क्योंकि मैं गई हुई थी हुरन के हाथ का जो चूड़ी टाइप की थी ना वो खुल चुकी थी, धागा टूट गया था उसका, तो वही ठीक कराने के लिए गई थी। सो गाइस रात के बज रहे हैं 12:15, ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ देखो ये सो गई थी एक बार और अभी जस्ट उठी हैं। कितनी देर से सो रही थी साहिबा? ये अभी सो रही थी, मैंने लोरी सुनाया तो खाला ने लोरी सुना सुना के तो उसको सुलाया। 10 मिनट के अंदर वो जैसे ही अंदर लेकर के आई, जब ये सो गई है तो वो तुरंत उठ गई, वो तुरंत उठ के बैठ जाती है, वो ऐसे ही करती है हमेशा। और अभी देखो लेटी हुई है यहाँ पे, ये देखो रात के बज रहे हैं 12:15, मतलब अब तो 12 बजने में 10 मिनट की देर रह गई आप लोगों से बातें करते करते। चलो मैं जा रही हूँ हुरन के लिए दूध लेने के लिए, ना दूध पिएगा ना और फिर सो जाएगा, है ना? वो पता नहीं कल तो 4 बजे सोई है, वो आज पता नहीं क्या करेगी। और मैं तो परेशान हूँ इस लड़की से। आप लोग बोलते होगे कि हमेशा शिकायत करती रहती है बुलबुल अपनी हुरन की, इतनी क्यूट है, ये वो है, क्या हो गया? लेकिन वो सोती नहीं है यार, ये दिक्कत है मेरी। अब मैं ये सोच रही थी कि बताओ 12:15 बज रहे तो अब ये सो गई होगी, लेकिन 10 मिनट के अंदर में फिर से उठ गई है। क्या खा रही है मुंह में, क्या खा रही है मुंह में? आ कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं। अच्छा ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। अच्छा जो हेलो कर लो, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सो के उठ गया, मेरी मॉर्निंग हो गई। बाप रे, बोलो मेरी मॉर्निंग हो गई और आप लोग गुड नाइट कर रहे हो। चलो फिर चलो, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है बताओ, कहाँ चलना है? आगे सब लोग सो गए होंगे बेटा, मैं दूध लेके आ रहा हूँ। गाइस आज तो चमत्कार हो गया भाई, ये देखो आज तो बड़ी जल्दी सो गई, और अभी टाइम हो रहा है 12:15। मैं आप लोगों से 12:15 बोल रही थी कि अभी जस्ट उठी है, तो पता नहीं अब कब तक सोएगी, लेकिन आज तो 12:15 ये सो गई है फिर से, ये देखो यहाँ सो रही है। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो अब मैं आप लोगों से गई सुबह मिलूँगी, गुड नाइट। सो गाइज ये हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी हम लोग निकल गए हैं ग्वालियर के लिए। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं आज मेला, हमारा सडनली प्लान बन गया, सुबह से जो है कैंसिल ही हो रहा था कि नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन फिर फाइनली बन गया प्लान, तो बस अभी निकल दिए हैं। रिक्शा देख रहे हैं, रिक्शा अभी तक यहाँ तक नहीं मिला है, आगे रोड से मिलेगा, तो वहाँ तक चलते हैं पहले। ये जा रहे हैं, जैकी भाई जा रहे हैं साथ में, बाकी और कोई नहीं जा रहा।
अभी हम लोग आ गए हैं डीबी मॉल और बस यहाँ से KFC ऑर्डर किया है, वो अभी आ रहा है और ये लोग हैं यहाँ पे सामने दिख रहे होंगे आप लोगों को। गर्मी आज बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत गर्मी है आज। ये आ गया हमारा KFC। बोलो आप बोलो। ले पाएंगे तुम घर से। हेलो गाइस, जब हम बचपन में आते थे ना ग्वालियर मेला, हमारी लाइन के सारे लोग आते थे साथ में इकट्ठा होकर के, तो हम ट्रेन से आते थे सुबह पैसेंजर से, क्योंकि मेला खुलने में टाइम लगता था, तो हम लोग यही पार्क में आते थे, बढ़िया खाना वाना खाते थे, आराम करते थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद मेला घूमते थे पूरा दिन और बड़ा मज़ा आता था सच में यार। बहुत ज़्यादा याद आती है सारी चीज़ों की। बहुत सारी वैरायटी है गुलाब की, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ साइड झूले वूले भी लगे होंगे शायद। तो गाइस जब भी मेला हो ग्वालियर का, तभी आप लोग जानते होंगे जो भी ग्वालियर के रहने वाले होंगे वो, इनको जो ये हैं गुड्डू भैया, तो इनका प्रोग्राम जो है चलता रहता है, लाइव भी आता है, तो बस यहाँ पे अभी वही चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ शोरूम पे, क्योंकि हमें फ्रिज वगैरह देखने थे अपने न्यू घर के लिए, तो सोचा कि मेले जाएंगे तो उस पर जो छूट मिलेगी तो सही रहेगा, इसी टाइम पे हम लोग उठा लेंगे। तो बस यहाँ पे फ्रिज वगैरह देख रहे हैं, और हम लोग को जो है ना ये ब्लैक कलर का मुझे जो है फ्रिज बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि मैं इसी कलर में फ्रिज लूँगी, तो बस वही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मैम गाती हैं? अरे मैम बिल्कुल बिल्कुल, आप वो एक कंपनी वाले भी कहते हैं कि अगर ऐसा कस्टमर को थोड़ा भी शौक है तो आप उसको करवाओ। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे कालीन की शॉप पर, तो बस हमें यहाँ पे कालीन भी देखनी थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी जो है ना कालीन नहीं खरीदी है, तो मुझे प्राइस वगैरह भी नहीं पता है कि किस प्राइस में मिलती हैं कालीन वगैरह, तो बस यहाँ पे अभी हम लोग वही देख रहे थे, तो मुझे ना ये दो कालीन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी अपने घर के लिए, न्यू घर के लिए। छोड़ दिया कौन सा वाला? कोई बढ़िया में निशान रहा। और बस यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि देख लूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों हो रही है, तब जब जाके सुना तो यहाँ पे जो है 100 रुपये में दो कपड़े मिल रहे थे, मतलब 50 रुपये कपड़ा, तो मतलब कोट वोट जो भी सारी चीज़ें थी वो सब मिल रही थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ना हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ स्वीट कॉर्न खाने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं मेले के अंदर। सच बताऊँ तो, और यहाँ पे जो है आप लोगों को जब भी मेले आते हैं ना, तो आप लोगों को देखा होगा कि ये तुर्किस वाले जो हैं आइसक्रीम वाले हर कहीं अभी तो देखने को मिल जाते हैं। हेलो हेलो,
सो गाइस मेले में हमारी खाला भी मिल गई थी, तो वो भी जो है मेला घूमने के लिए आई हुई थी, क्योंकि आज था इकरा का बर्थडे, तो वो जिद कर रही थी अपने पापा मम्मी से कि मुझे मेला ले चलो। तो बस अभी वो जो घूम के बस घर ही निकल रहे हैं, क्योंकि रात भी हो गई है। तो बस यहाँ पे अभी वो मिल गई थी मुझे। कितने का है? अपने पास डीलर सब पे अवेलेबल नहीं है सर। आपको देखनी है तो आपको आगे कपिल मोटर्स है, जो कि बगल में वहाँ मिल जाएगी, बगल में दिल्ली में है वहाँ मिल जाएगी। 20 प्लस आएगा सर एवरेज। फिर इनको यहाँ से जो है कार वगैरह भी देखनी थी, तो फिर कार के शोरूम पे भी हम लोग आ गए। तो ये वाली जो कार थी ना, ये यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि और भी मैंने कार के जो शोरूम देखे ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये वाली कार एकदम मस्त थी। तो इन फ्यूचर हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग को भी कार लेनी है। आज तो हमने जो है काफ़ी सारे शोरूम देखे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड मेरे जो है आज कार फाइनल करके ही जाएंगे, क्योंकि मेला छूट भी मिल रही है और साथ में जो है गाड़ी भी अच्छी लगी है उनको। तो देखते हैं क्या होता है। गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बस अब घर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए आज तो, इतने ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं ना, बस अब तो घर चलो। ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ, इसको चलाते हुए जा रही हूँ मैं। सो गाइस मेले से आने के बाद हम लोगों ने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, तो पूरा एक दिन के बाद मैं अब जो है शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हुरैन हमेशा की तरफ में टॉयज के साथ में खेलते हुए, और इनकी नानी गई हैं शादी में, पापा भी गए हैं, मामू भी गए हैं, नाना भी गए हैं, तो सब लोग गए हैं। मुझसे बोल रही थी मम्मी, लेकिन मैं नहीं गई, मुझे अच्छा नहीं लगता है शादी वादी में ज़्यादातर जाना, क्योंकि वो दूर है, मुरैना में होती लोकल में, तो फिर भी मैं सोच लेती, लेकिन हुरैन की वजह से थोड़ी मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बस जो मेले से टॉयज लेके आए थे इसके लिए, उन्हीं सारी चीज़ों से ये खेल रही है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या लेकर के आए थे हुरैन के लिए। हाँ टॉयज बताओ अपने। सो गाइस यहाँ देखो, एक ये टॉय था हुरैन का, सबसे ज़्यादा टॉय जो पसंद आया हुरैन को वो ये है, ये और इससे तो डर रही है वो, इसके पास भी नहीं बैठ रही है बिल्कुल भी। और गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेले में भी कुछ सब्सक्राइबर मिले थे मुझे, और उन्होंने बोला कि वो हमारी वीडियोस देखते, तो तब इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना गाइस कि मैं बयान ही कर सकती हूँ। हुरैन बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है मुझे, मैं बात कर रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, आपने क्यों मना कर दिया मेरे वीडियो में आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो कुछ लोग तो जो है आना चाहते हैं वीडियो में और कुछ लोग मना कर देते हैं, खैर कोई नहीं। लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरी मम्मी बचपन से हमेशा यही कहती थी कि ना कुछ ऐसा काम करना ताकि तुम खुद अपनी पहचान बना सको। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसे मैं नहीं पहचानती है, वो लोग मुझे पहचानते हैं। आज पता नहीं खांसी क्यों आ रही है। और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे हुरैन को, सबसे ज़्यादा हुरैन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब लोग ऐसे ही दुआएं देते रहिएगा। चलिए गाइस फिर मैं इस वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।